हे दिस इज़ रुशाली, वेलकम टू माय चैनल मोर ओवर क्रिएशन। इस चैनल पे आपको आर्ट रिलेटेड वीडियोस देखने मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के इस वीडियो में हम एक आर्ट फॉर्म को एक्सप्लोर करने वाले हैं और वो आर्ट फॉर्म है वारली आर्ट। और उसी आर्ट में हम एक DIY करने वाले हैं और वो DIY है एक वॉल क्लॉक। इस DIY को बनाते बनाते हम इस आर्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत जानने वाले, तो इसीलिए ये DIY भी बनाइए और इसके साथ साथ इस आर्ट के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक 12 इंचेस का MDF का सर्कल लिया हुआ है और इसे न्यूज़पेपर पर रख के प्रेस करके न्यूज़पेपर भी कट कर लिया। इसे मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। इसका रीज़न ये है क्योंकि मुझे इस MDF का सेंटर निकालना था। इस तरह से मैं MDF पे ये फोल्ड किया हुआ पेपर रखूँगी और इसका सेंटर मार्क कर लूँगी। इस तरह से सेंटर मिलने के बाद किसी भी नुकीली चीज़ से आप इस MDF पे होल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने होल कर दिया है। इसे और थोड़ा बड़ा करने के लिए मैंने यहाँ पे कैंची का यूज़ किया है। इस MDF को घड़ी में कन्वर्ट करने के लिए इस तरह का घड़ी का मशीन आपको बाज़ार में मिलता है। इसके ऊपर इस तरह के दो स्क्रू दिए हुए हैं जिससे आप किसी भी चीज़ से इसको इजीली अटैच कर सकते हो। इसके कांटे भी मिलते हैं और ये केस भी। ये सारी ही चीज़ें मैंने अलग अलग खरीदी हैं, तो इस मशीन को इस केस के अंदर रखना पड़ेगा आपको और बाद में आप इसके कांटे लगा सकते हो। इसके ऊपर ये होल भी है जिससे आपको दीवार से लगाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। ये हम इस होल में डाल के देखेंगे। तो चलिए कलरिंग करना स्टार्ट करते हैं। इसके कलर कॉम्बिनेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊंगी तो इसके एक ही कलर कॉम्बिनेशन है, ब्राउन जो बेस के लिए यूज़ किया जाता है। जो ब्राउन कलर रिप्रेजेंट करता है धरती को, मतलब मिट्टी का कलर है, और जो वाइट कलर है वो रिप्रेजेंट करता है अनाज को, जो एक्चुअली अनाज से ही बनाते हैं। जो चावल जो उगाते हैं धरती से, उसी चावल को पीस के उसका घोल बना के वही कलर एज अ वाइट कलर यूज़ करते हैं। तो ये एक धरती और अनाज का एक अच्छा कॉम्बिनेशन इस पेंटिंग में दिखाया जाता है। उनका पूरा सर्वाइवल जो है वो खेती पे होता है। जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनके ऊपर होता है, तो खेती उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए ये ब्राउन और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन हमें ज़्यादातर हर जगह पे दिखाई देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वारली पेंटिंग में जो बेस कलर होता है वो ब्राउन होता है, तो यहाँ पे मैंने एक्रेलिक ब्राउन कलर लिया है। कलर थोड़ा पैची लग रहा था तो इसीलिए मैं ब्रश से इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ उसका सेकेंड कोट। अब मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिप ले ली है। इस स्ट्रिप को मैं सेंटर मार्क कर लूँगी। जिस डिस्टेंस पे मुझे सर्कल निकालना है वो भी मैं पेंसिल से मार्क कर लूँगी। जहाँ जहाँ पे हमने मार्किंग किया है हम राउंडर के जो पॉइंटेड पार्ट है उससे उस पर होल कर देंगे और राउंडर पे ये स्ट्रिप को लगा के दूसरी तरफ पेंसिल रख के इससे हम सर्कल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जितने मुझे सर्कल्स चाहिए थे वारली पेंटिंग के लिए मैंने वो निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे प्रोट्रैक्टर का यूज़ करके जो घड़ी के जो नंबर्स के मार्किंग्स होते हैं वो मैं सारे मार्किंग्स यहाँ पे ले रही हूँ। वो 30-30 डिग्री पे रहते हैं। इन मार्किंग को थोड़ा सा बड़ा करके ले रही हूँ ताकि मुझे समझ जाए। तो जहाँ पे मैंने मार्किंग की है वहाँ से मैं इस तरह से डिज़ाइन कर रही हूँ कि मुझे नंबर्स इस डिज़ाइन से पता चल जाएंगे। तो वारली पेंटिंग में कुछ बहुत ही डेलिकेट बॉर्डर्स बनाए जाते हैं, बहुत ही बारीक बारीक काम करके बॉर्डर्स बनाए जाते हैं, तो मैंने भी उसी से इंस्पायर ये बॉर्डर डिज़ाइन किया है। ये काम बहुत ही ज़्यादा पेशेंस का है। ये करते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ मैं ये कर रही हूँ। वारली ये एक ट्राइब है और इसी ट्राइब से हमें ये वारली पेंटिंग आर्ट मिला हुआ है। ये जो वारली पेंटिंग आर्ट है वो एक्चुअली एक ख़ास दिनों के लिए बनाया जाता है, जैसे कि शादी है, किसी के घर में नए बच्चे का जन्म हुआ है, तो उस घर में उस घर की दीवार पर ये आर्ट किया जाता है। ये
ये आर्ट सुवासिनी औरतें, मतलब शादीशुदा औरतें जो होती है उनके द्वारा ही ये की जाती है, ये आर्ट बनाया जाता है उनके द्वारा। वारली पेंटिंग में जो ह्यूमन फिगर्स निकाले जाते हैं वो ज़्यादातर अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हुए दिखाए जाते हैं। तो उनकी मेन एक्टिविटी होती है वो तारपा नृत्य, जो एक डांस फॉर्म है, जो इसी तरह से डांस रहता है कि एक सर्कल बना के लोग डांस करते हैं। ये जो सर्कल है वो कहीं पे भी कंप्लीट नहीं होता या फिर क्लोज नहीं होता है, वो स्पाइरल जैसा बढ़ता जाता है या फिर इनकम्प्लीट होता है। इसका जो स्टार्ट में जो इंसान खड़ा रहेगा उसके हाथ में एक बड़ी सी लकड़ी होती है, काठी होती है, और सेंटर में एक अलग तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, जो एक इंसान वो इंस्ट्रूमेंट बजाता है, इसी इंस्ट्रूमेंट के ताल पे और उस काठी के रिदम पे ही लोग ये डांस करते हैं। आर्ट में जो इम्पॉर्टेंट ड्राइंग होता है वो होता है एक स्क्वायरिश डिज़ाइन होता है जिसे ये कहते हैं चौकी। इसमें बहुत ही बारीक बारीक बॉर्डर्स को इनकॉर्पोरेट करके डिज़ाइन बनाया जाता है और ये बहुत ही सुंदर होता है। इससे ये सुंदर बनाने का रीज़न ही इसलिए क्योंकि इसके अंदर देवी जो होती है इनकी, जिसे कहते हैं पालघाट देवी, वो देवी का चित्रण किया जाता है। लेकिन इस आर्ट फॉर्म में आप अगर देखोगे तो ये देवी इनकी अलग है, जो इन्होंने अपने ही स्टाइल में इसका चित्रण किया हुआ है। जो चौकी निकालते हैं उसके आजू बाजू में अगर आप देखोगे तो गांव में हमारे जो रोज़मर्रा के जो काम होते हैं, जो हम पानी निकालना रहता है, खेती करना होता है, या फिर लकड़ियाँ लाना, पानी लाना, ऐसे सारे कामों को ये वारली आर्ट में दिखाया जाता है। वारली आर्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है क्योंकि इसमें ज़्यादातर ज्योमेट्रिकल शेप्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि सर्कल है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, तो ज़्यादातर ये ट्राइंगल का ही यूज़ करते हैं अपने आर्ट में। आप अगर देखोगे तो सारे ह्यूमन फिगर्स हैं, सारे जो जानवर हैं वो सारे ही आपको ट्राइंगल शेप का यूज़ करके बनाए गए। वारली पेंटिंग कर सकते हो, इसके पीछे रीज़न ही है कि ये बहुत ही सिंपल तरीके से सारे ह्यूमन फिगर्स है और बहुत सिंपल तरीके से ये निकाला जाता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर इसमें जो है वो है कि इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस लगते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें दिखाई जाती है। अगर आप किसी भी वारली पेंटिंग को अगर देखोगे तो हर एक कोने में आपको एक अलग अलग एक्टिविटी दिखेगी और यही इस वारली पेंटिंग की मेन खासियत होती है। तो इस तरह से मेरी वारली पेंटिंग कंप्लीट हो गई है। तो इसे सिक्योर करने के लिए मैं यहाँ पे डेकोर वार्निश का यूज़ कर रही हूँ। डेकोर वार्निश को अच्छे से सारी जगह पर लगा लेंगे। डेकोर वार्निश को लगाने के बाद इस मशीन को यहाँ पे पीछे से अटैच करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले ये जो केस है इसके अंदर ये मशीन में अटैच करके ले रही हूँ। घड़ी का जो सेंटर है, जो मैंने सेंटर फिक्स किया है, उसे पीछे से भी मार्किंग ले लूँगी ताकि ये मशीन उल्टी सीधी ना लग जाए। पीछे से भी मैंने ग्लूगन लगा लिया है, इसे अच्छे से पेस्ट कर लूँगी। मशीन अच्छे से पेस्ट होने के बाद इसके एक एक करके सारे कांटे भी लगा लूँ। कांटे लगाने के बाद हम यहाँ पे सेल लगा लेंगे तो इस तरह से हमारी घड़ी स्टार्ट भी हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से हमारी ये ट्राइबल आर्ट वारली पेंटिंग वाली घड़ी रेडी हो गई है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कुछ इन्फॉर्मेशन अगर रह गई होगी, ऐड करनी होगी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बी क्रिएटिव, बी हैप्पी।